इंडिया पर सीतापुर के रउसा इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि शराबी युवक ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। क्या पूरा मामला है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के रउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी। तो अमरीश जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। ये रेवसा थाना क्षेत्र के गुड़रुआ गांव का मामला है, जहां आज शनिवार की सुबह गांव में एक हड़कंप मच गया, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर है और जांच पड़ताल कर रही है। हम आपको बता दें कि रेवसा थाना क्षेत्र के गुड़रुआ गांव में शनिवार को सुबह कोहराम मच गया। घरेलू कहासुनी से नाराज होकर गांव के ही राजू पुत्र रामनाथ ने अपनी 38 वर्षीय पत्नी संगीता को धारदार हथियार से गले पर वार कर मौत के घाट उतार दिया है और फिर मौके से फरार हो गया है। पड़ोस के लोगों को घटना की जानकारी घर के बच्चों द्वारा मिली। जब बच्चे घर के बाहर आए और शोर मचाया, तब आसपास के लोग जान पाए हैं घटना के बारे में और इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। जी तो ये गंभीर मामला थाना रउसा इलाके से निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इलाके के गड़रुआ गांव में एक शख्स जिसका नाम राजू है, उसके पिता का नाम रामनाथ है, उसने अपनी 38 वर्षीय पत्नी संगीता को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। अमरीश जी एक जानकारी चाहेंगे, क्या इस मामले में आपकी पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है या घटना के क्या कारण है, कुछ जानकारी हो पाई है? जी, सूचना पाकर मौके पर थाना रेवसा के थाना अध्यक्ष घनश्याम राम और उप निरीक्षक झारिया सिंह जांच पड़ताल कर रहे हैं, वही घटना स्थल पे हैं। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये शराबी व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी की शराब के नशे में हत्या की है। घर पर मामूली कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद हत्या करने की जानकारी हुई है। पुलिस द्वारा उस फरार युवक की तलाश की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वैसे अभी घर की जो स्थिति है उसको देखकर लगता है कि उसके घर में जानों का कहना है, आरोप लगा रहे हैं कि कच्ची शराब बनाने का भी काम होता था। पुलिस अभी उस मामले को न देखकर हत्या के मामले की जांच कर रही है और अभी जांच हो रही है कि हत्या का और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन क्योंकि पति फरार है और शराबी बताया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले यही मामला खुल के सामने आ रहा है कि एक हत्या उसी के द्वारा की गई है, शराब के नशे में या शराब पीकर उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस भी इसी मामले पर इसी नजरिए से जांच कर रही है और पुलिस का कहना भी है कि शराबी पति ने पत्नी से मामूली कहासुनी से नाराज होकर हत्या को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो ये गंभीर मामला है जिसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई है, छानबीन करना शुरू कर दिया है, सब का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मामले में जो थाना प्रभारी रउसा है घनश्याम राम, उनका कहना है कि जो है चूंकि जो पति है वह शराबी था और अभी मौका वारदात से फरार है, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि क्या कारण है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि जो है शराब के नशे में ये जो है वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झगड़ा हो रहा है किससे? किससे? पापा से। हाँ। तो हम सुबह सोच रहे रात में झगड़ा हो रहा है तो पापा भाका मारे ना कि हम भाग के ना। पापा कहाँ गए? पता नहीं। हम इतवारी चिल्लाई थी जान ना पाया। तुम नहीं जान पाया?